सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 समझाने वाली हूँ। पाठ का नाम है आपका उजाले के बच्चे। इस पाठ में बच्चों, एक लड़की होती है जिसका नाम है माही, ठीक है। वो घर पे है, उस शाम का समय है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, आंगन में, छत पर, गली में, तो वो कहीं भी बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाती है और उदास हो जाती है। बारिश होते होते रात हो जाती है, तभी अचानक से उसे आंगन की दीवार पर कुछ दिए जैसी वस्तु जलती हुई नज़र आती है। तो वो सोचती है कि ये दिया यहाँ किसने जलाया है। तो जैसे जैसे वो दिए के पास जाने की कोशिश करती है, तो वो दिया जो है वो उछल कर हवा में चला जाता है। तो वो हैरान हो जाती है कि दिया कैसे हवा में उड़ सकता है। और फिर वो देखती है कि छत के आसपास, आंगन की दीवार के आसपास 2-3 और वैसे ही दिए उसे घूमते हुए, हवा में घूमते हुए नज़र आते हैं। तो वो डर जाती है और भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को पकड़ कर लेकर आती है और दिखाती है कि दिए हवा में उड़ रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये दिए नहीं हैं, ये जुगनू हैं। तो वो पूछती है कि माँ जुगनू क्या होता है? तो कहती है उसकी माँ कि जुगनू एक कीड़ा होता है, कीट होता है, जो रात में चमकता है। तो वो पूछती है कि माँ क्या ये जुगनू काटता भी है? तो उसकी माँ बताती है, नहीं बेटा जुगनू नहीं काटता है। और उसकी माँ अंदर चली जाती है और अपना काम करने लगती है। तो माही ये सोचती है कि जब ये कीड़ा काटता ही नहीं है तो क्यों ना मैं इसे डिब्बे में भर कर रखूँ और अपनी सहेलियों को दिखाऊँ। तो अंदर से वो 2 डिब्बे लेकर आती है और जुगनू को पकड़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह कई जुगनू डिब्बे में भर लेती है। वो बहुत खुश होती है कि कल अपनी सहेलियों को मैं जादू दिखाऊंगी, और वो दोनों डिब्बे अपने पलंग के नीचे रख देती है। उसकी माँ खाना खाने के लिए आवाज़ लगाती है। जब वो खाना खाकर सो जाती है तो उसकी माँ देखती है कि पलंग के नीचे माही ने डिब्बे में जुगनू भर के रखे हुए हैं। उसे बड़ा दुख होता है कि किसी जीव को उसकी बेटी ने कैद करके रखा है, और वो जुगनुओं को डिब्बे से आज़ाद कर देती है। जब सुबह माही उठती है और डिब्बों को खाली देखती है तो वो रोने लगती है, आसमान सिर पर उठा लेती है कि मेरे उजाले के बच्चे कहाँ चले गए। तो ये उजाले के बच्चे कौन थे बच्चों? उजाले के बच्चे, वो माही छोटी बच्ची है, वो भूल जाती है कि रात को उसकी माँ ने उन कीट का क्या नाम बताया था। वो भूल जाती है कि उनका नाम जुगनू था, तो इसलिए वो उनको उजाले के बच्चे कहती है और रोते रोते कहती है कि मेरे उजाले के बच्चे कहाँ गए, किसने उन्हें उड़ा दिया। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा जब तुम सो गई थी तो उजाले के बच्चे डिब्बों के अंदर रो रहे थे, और उनका रोना सुनकर उसके जो माँ थी और उसके पिता थे उनके, वो भी यहाँ आ गए और मेज़ पर और खिड़कियों में बैठकर वो भी रो रहे थे। उनका रोना, तुम तो सो गई थी लेकिन हमने उनका रोना सुना और बहुत दुख हुआ हमें। अगर हम उन्हें ऐसे ही रोते हुए छोड़ देते तो आसपास के लोग, पास के जो पड़ोसी हैं, वो आके कहते हमसे कि ये रोना धोना क्यों मचा रखा है, इसलिए हमने उनको आज़ाद कर दिया। तो बोली कि क्या बताओ, हमने उन्हें आज़ाद करके अच्छा किया या बुरा किया? तो बोली कि क्या सचमुच में माँ वो रो रहे थे? तो बोली हाँ बेटा, जुगनू रो रहे थे, क्योंकि कैद में रहना किसको अच्छा लगता है, सभी को आज़ाद रहना अच्छा लगता है। तो माई की समझ में ये बात आ जाती है कि किसी को भी कैद में रखना अच्छी बात नहीं होती है, और वो कहती है कि माँ आपने जुगनुओं को आज़ाद करके बहुत ही अच्छा किया, अब मुझे उनके आज़ाद करने का कोई भी दुख नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों, आपका पाठ उजाले के बच्चे समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी जीव को कैद करके नहीं रखना चाहिए, सभी को आज़ादी पसंद है। अगर हमें कोई कैद करके रखेगा तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, सभी को आज़ाद रहना अच्छा लगता है। हमें सभी जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।